आज हम हिंदी की 10वीं की 6ठी कविता लेंगे, गिरिधर नागर। रचनाकार है संत मीराबाई। मीराबाई यह नाम हम सभी को परिचित है। उनका नाम भक्तिधारा के मुख्य संत भक्तों में आता है। मीराबाई का जन्म राजस्थान जोधपुर में हुआ। बचपन से ही मीरा अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। मीरा का विवाह उदयपुर के महाराजा भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन मीरा इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, उन्हें अपार प्रेम करती थी। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। वे लड़ाई में मारे गए। उस समय के प्रथानुसार मीरा को सती करने का प्रयास किया गया, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुई, ना ही उन्होंने अपना श्रृंगार उतारा, क्योंकि वह गिरिधर को अपना पति मानती थी। कृष्ण भक्ति में लीन मीरा विष का प्याला भी दूध समान मानती थी। उनकी भक्ति, अपार प्रेम, मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का सुंदर वर्णन इस काव्य में है। चलते हैं कविता की ओर। गिरिधर नागर। पहले इस शीर्षक का हम मतलब समझ लेते हैं। गिरिधर मतलब गिरी को उठाने वाला, गिरी मतलब पर्वत। आप जानते हो ना सभी कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और वृंदावन वासियों की रक्षा की थी। बहुत बारिश आई थी वृंदावन में, तो इस बारिश से बचने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए उनका नाम गिरिधर भी है। और नागर इसका मतलब है नागरिक या नगरवासी। वैसे तो श्री कृष्ण के कईयों नाम हैं, बहुत से नाम हैं श्री कृष्ण के लिए, जैसे गोपाल है, गिरिधर है, मोहन है, मदन, माधव, केशव, जगदीश भी कहा जाता है, जगन्नाथ कहा जाता है, कमल नयन भी श्री कृष्ण को कहा जाता है। ऐसे कईयों नाम श्री कृष्ण के लिए हैं। कविता लेंगे हम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। संत मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही है। अब गिरधर देखो, गिरधर इसका मतलब क्या है कि गिरी को उठाने वाला, गोपाल इसका मतलब गायों को पालने वाला। मेरे तो पति कौन है, तो गिरधर गोपाल ही है, जो गिरी को उठाते हैं, पर्वत को उठाते हैं और गायों को पालते हैं, जिनके मुकुट में मोर पंख है वही मेरे पति है, वही मेरे साजन है, उनके अलावा मेरा कोई दूसरा पति हो ही नहीं सकता, उनके अलावा मेरा कोई दूसरा साजन हो ही नहीं सकता। अब यहाँ गिरधर और गोपाल ऐसे श्री कृष्ण के लिए दो नाम आए हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, संत न ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। छाड़ी दई, छाड़ी दई इसका मतलब छोड़ दी, कुल इसका मतलब है वंश और कानी इसका मतलब है मर्यादा। मीराबाई कहती है कि मैंने तो कुल की मर्यादा त्याग दी है, चाहे अब मुझे कोई कुछ भी कहे। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन इसका मतलब है संत, ढिग इसका मतलब है पास। संतों के साथ बैठ बैठकर संतों के सहवास में मैंने तो लोक लाज त्याग दी है, लोक लाज खो दी है। यानी मीराबाई कहना चाहती है कि मुझे तो अब कृष्ण भक्ति अच्छी लगती है और संतों का सहवास अच्छा लगता है। असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। असुअन इसका मतलब है आंसू, जल पानी, और बेली इसका मतलब है बेल, आनंद इसका मतलब आनंद। वह तत्कालीन हिंदी भाषा है ना, इसलिए आनंद ऐसा लिखा है। तो मीराबाई कहती है कि मैंने तो कृष्ण रूपी
बेल जो है, प्रेम की जो बेल है वह बोई है, और उस बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई, अब तो वह बेल जो है वह बहुत फैल गई है, यानी बड़ी हो गई है। अब उस बेल पर आनंद रूपी फल आने लगे हैं। मीराबाई कहना चाहती है कि अब मुझे कृष्ण भक्ति में आनंद आने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मथनी, मथनियाँ इसका मतलब है मथानी। जब हम जो दूध रहता है, मलाईदार जो दूध रहता है उसे हम मथते हैं मथानी से, तब माखन निकल आता है और छाछ भी बचता है। तो मीराबाई कहती है कि जो मलाईदार दूध है तो उसका उसे मैंने बहुत प्रेम से बिलोया है और उसका परिणाम क्या हुआ है कि माखन निकल आया है। माखन इसका मतलब है मक्खन निकल आया है, और वह जो मक्खन है वह कोई साधारण मक्खन नहीं है, तो मीराबाई के लिए वह कृष्ण रूपी मक्खन है। तो मीराबाई जो है वह कृष्ण रूपी मक्खन अपने लिए काढ़ना चाहती है, अपने लिए बचाना चाहती है। और माखन जब काढ़ी लियो छाज पिए कोई, मीराबाई कृष्ण रूपी मक्खन अपने लिए बचाना चाहती है, और जो बचा हुआ छाज है जिसे हम मराठी में ताक कहते हैं वह जगत के लिए छोड़ना चाहती है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। भगत इसका मतलब है भक्त, राजी हुई इसका मतलब है प्रसन्न हुई। मीराबाई कहती है कि जो संसार में श्री कृष्ण के भक्त है, जैसे मीराबाई भक्त है, वैसे इस संसार में मीराबाई के अलावा और सारे श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, तो उन भक्तों के साथ रहकर उन्हें देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ। लेकिन उन भक्तों के साथ संसार का जो व्यवहार है, जगत इसका मतलब क्या है, संसार, तो संसार का जो व्यवहार है वह देखकर मैं रो पड़ती हूँ, मतलब अप्रसन्न होती हूँ। मीरा दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। मीराबाई स्वयं को श्री कृष्ण की दासी कहलाती है और श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे गिरिधर, अब मुझे आप ही तार सकते हो। तारो इसका मतलब क्या है कि रक्षण करना, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, मुझे इस संसार से आप ही बचा सकते हो। इस पद्यांश में मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य साधारण भक्ति हमें दिखाई देती है। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी जेरी। हरि इसका मतलब है भगवान, कुन इसका मतलब कहा, गति इसका मतलब है आश्रय, प्रतिपाल इसका मतलब पालने वाला, रावरी आपकी, चेरी इसका मतलब है दासी। मीराबाई कहती है कि हे भगवान, आप ही मेरे आश्रय हो, आपके बिना कहाँ मेरी गति है। वैसे भी भक्तों के लिए भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे भगवान के लिए भक्त महत्वपूर्ण होते हैं वैसे ही, और तुम मेरे प्रतिपाल, तुम ही मेरे पालने वाले हो, कहिए मैं रावरी चेरी, मैं तो आपकी दासी हूँ, तुम मुझे पालने वाले हो और मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरे हिमाए फेरे, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। आदि अंत इसका मतलब है दिन रात, नाव इसका मतलब नाम, हिमाए फेरी इसका मतलब फेरना, इसका मतलब है जपना, नाम की माला जपना। हे प्रभु, मैं तो दिन रात आपके नाम की माला जपती रहती हूँ।
बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बेर बेर इसका मतलब है कई बार। आरती, हम वैसे तो आरती करते हैं भगवान जी की, लेकिन यहाँ आरती का मतलब दूसरा है। आरती का मतलब है तीव्र इच्छा या लालसा। मीराबाई कहती है कि मैं तो दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपती रहती हूँ और कई बार पुनः पुनः मैं आपको पुकारती हूँ, हे प्रभु अब तो मुझे आपको पाने की लालसा है, आप मुझे जल्दी से जल्दी दर्शन दे दीजिए। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़ते है बेरी। यह जो संसार है, संसार इसका मतलब जगत, विकार इसका मतलब है विकार या दोष। मीराबाई कहती है कि यह जो संसार है, यह सागर रूपी जो संसार है, यह अनेक दोषों से, अनेक विकारों से घिरा हुआ है। इस संसार में कई लोग रहते हैं और उन लोगों में मद मोह मत्सर ऐसे कई दोष भरे पड़े हैं। ऐसे सागर रूपी संसार के बीच मैं घिर गई हूँ, यानी मैं संकट में हूँ। अब तो इस सागर रूपी संसार में मैं जिस नाव से, नाव इसका मतलब है नौका, जिस नौका से मैं सफ़र कर रही हूँ, उस नौका की हालत भी ठीक नहीं है प्रभु। वह नौका जो है वह फट गई है, टूट गई है, अब उसे आपको ही बचाना है, उस नौका को पाल बांधना है। अब आप जल्दी से उस नौका को पाल बांध दीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वह नौका डूब जाएगी, ऐसा मीराबाई कहती है। बिरहिनी पिवकी बाट जोवे राख लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। बिरहिनी कहाँ है, यानी अभी तक श्री कृष्ण ने मीराबाई को दर्शन नहीं दिए हैं, उनका मिलन नहीं हुआ है अभी तक, इसीलिए बिरहिनी अपने आप को कहाँ है। हे प्रभु मैं तो आपकी ही बाट देखती रहती हूँ, इसका मतलब मैं आप ही की प्रतीक्षा करती रहती हूँ, और आपके पास, नेरी इसका मतलब है पास, निकट, आपके पास आना चाहती हूँ, मैं तो आपके निकट रहना चाहती हूँ। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी, मैं तो आपकी दासी हूँ प्रभु, मैं तो राम रटत रहती हूँ, मतलब श्री कृष्ण का नाम लेती रहती हूँ, और मैं आपके शरण में हूँ। शरण में इसका मतलब मैं आपके शरण में हूँ, आश्रय में हूँ, तो आप ही मुझे तार सकते हो, ऐसा मीराबाई कहती हैं। फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे। फागुन इसका मतलब है मास, जो महीना होता है ना उसका नाम है फागुन, जिसे हम मराठी में फाल्गुन कहते हैं। इस फाल्गुन महीने में होली का त्यौहार आता है। आप जानते हो हम होली दो दिन की मनाते हैं। अब उस होली में बहुत रंग खेलते हैं। अब मीराबाई भी होली खेलना चाहती है, लेकिन मीराबाई की होली हमारे जैसे होली नहीं है। वह तो होली कैसी है, ते कृष्ण भक्ति की होली है। कृष्ण भक्ति की होली मीराबाई खेलना चाहती है और अपने मन से ही वह विनती करती है कि फागुन के दिन सिर्फ चार हैं, तो उसमें जो होली है उसका मज़ा ले लेना चाहिए, यानी कृष्ण भक्ति का मज़ा ले लेना चाहिए। मीराबाई कहती है कि हमें जो जीवन मिला है उस जीवन में बहुत सारे दिन नहीं हैं, वह जीवन कैसा है, अल्प है, अस्थाई है। जीवन मिला है तो मृत्यु भी एक ना एक दिन मिलेगी ही, तो वह जीवन अस्थाई है, तो हमें इस जीवन में, इस जीवन को सफल करने के लिए
कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, हमें भक्तिमय बनना चाहिए, ऐसा मीराबाई कहना चाहती है। अपने मन से विनती करती हैं कि होली का मज़ा ले ले। बिन करताल पखवाज बाजे अनहद ही की झनकार। करताल इसका मतलब है हम जोर जोर से ताली बजाते हैं ना, उसे करताल कहते हैं। पखवाज यह जो है एक वाद्य का नाम है। जैसे होली का त्यौहार हम मनाते हैं तो वाद्य भी बजते हैं ना, पखवाज वगैरह बजते हैं, उनकी झनकार आती है हमें। यहाँ जो होली है यहाँ ना कोई ताली बजा रहा है ना पखवाज बज रहा है, फिर भी मीराबाई के हृदय में झनकार बज रही है। बिन करताल और पखवाज की झनकार मीराबाई में अनहद बज रही है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिन सुर तार बिन सुर राग छत्तीसु गावे रोम रोम रणकार। अब यहाँ कोई सुर भी नहीं है, सुर ना होते हुए भी राग जो मीराबाई आलापती है वह कैसा है, छत्तीसु है। छत्तीसु है मतलब कैसा है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ गाना मीराबाई गा सकती है क्योंकि वह कृष्ण भक्ति में तल्लीन है। रोम रोम रणकार रे, रोम रोम इसका मतलब है अंग अंग। मीराबाई के अंग अंग में तो कृष्ण भक्ति अब समा गई है। सील संथोक की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। सील इसका मतलब है शील, संथोक इसका मतलब है संतोष समाधान। तो मीराबाई जो होली खेलना चाहती है उसके लिए जो रंग बनाना चाहती है तो उस रंग में सील यानी शील, अपना शील, अपना संतोक, संतोक यानी अपना समाधान, संतोष जो होता है वह उस रंग में केसर रूपी रंग में घोलना चाहती है। और जो पिचकारी वह बनाना चाहती है वह आम पिचकारी नहीं है, तो वह कृष्ण रूपी प्रेम की पिचकारी है और उस पिचकारी से मीराबाई होली खेलना चाहती है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, अंबर इसका मतलब है आकाश। अब तो होली के त्यौहार पर जो आकाश है वह कैसा हो गया है, लाल हो गया है, क्योंकि आकाश में बहुत सारा गुलाल जो है वह उड़ा है और वह गुलाल बरस रहा है। होली के त्यौहार पर रंग जो है वह बरस रहे हैं। घट के पट सब खोल दिए लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। घट, घट इसका मतलब है हृदय, पट इसका मतलब है द्वार। और मीराबाई कहती है कि मैंने तो कृष्ण भक्ति में तल्लीन होकर अपने हृदय के सब द्वार खोल दिए हैं भक्ति के लिए, अब मैंने सब लोकलाज जो है वह छोड़ दी है, लोकलाज मैंने त्याग दी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब मीरा के प्रभु, मीरा के जो ईश्वर है वह कौन है, तो गिरिधर नागर ही है, अर्थात श्री कृष्ण ही है। तो उनके कवल, कवल यानी कमल, उनके कमल रूपी चरण पर मैं बलिहारना चाहती हूँ। बलिहारना इसका मतलब न्योछावर करना, समर्पित करना, अपना तन मन धन अपना सर्वस्व उनके कमल रूपी चरणों पर मैं न्योछावर करना चाहती हूँ, मैं समर्पित करना चाहती हूँ। तो इस पदों में मीराबाई की जो श्री कृष्ण के लिए भक्ति है वह दिखाई देती है, और श्री कृष्ण को पाने की जो लालसा है, उत्सुकता है, मिलन की आशा है, प्रतीक्षा है, यह सब भाव इन पदों के जरिए दिखाई देते हैं। इस कविता का अगर संदेश हम लेना चाहें तो मीराबाई ऐसा कहती है कि यह जो जीवन हमें मिला है मानव जीवन, वह कैसा है, अस्थाई है,
और इस जीवन को सफल बनाने के लिए हमें कृष्ण भक्ति का महत्व समझ लेना चाहिए। हमें कृष्ण के भक्त बनना चाहिए, ऐसा मीराबाई संदेश देना चाहती है। तो यहाँ हमारी जो कविता है यह समाप्त होती है। इस कविता का जो स्वाध्याय है हम देख लेंगे कि होली के समय आनंद निर्मित करने वाले जो घटक है कौन कौन से हैं। तो पिचकारी है, केसर रूपी गुलाल है, करताल है, पखवाज है। कन्हैया की विशेषताएं कौन कौन सी है, कन्हैया की विशेषताएं कि कन्हैया कैसे है, गिरी को उठाने वाले हैं पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि गायों को पालने वाले हैं। तीसरी विशेषता क्या है कि उनके मुकुट में मोर पंख लगा हुआ है, यानी मोर पंख लगाया हुआ मुकुट धारण करने वाले हैं। और चौथी विशेषता क्या है कि भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। अब अर्थ दिए हैं और शब्द आपको पद्य में से ढूंढ कर लिखना है। पहला अर्थ है दासी। दासी के लिए कौन सा शब्द आया है पद्य में, चेरी। साजन के लिए पति, बार बार इसका शब्द है, इस अर्थ का शब्द है बेर बेर। और आकाश इस अर्थ का शब्द है अंबर। कन्हैया के नाम कौन से नाम, मैंने पहले भी आपको बताए हैं कन्हैया के दो नाम आए हैं, गिरिधर और गोपाल। इस कविता का स्वाध्याय आपको लिख लेना है और यहाँ मैं आपसे विदा लेती हूँ।